अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं निदा एंड वेलकम टू माय चैनल ओनली फूडी। आज आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। आज मैं आपको सिखाऊंगी रेस्टोरेंट स्टाइल अचारी बिरयानी किस तरीके से हम आसानी से घर में तैयार कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। इसके लिए मैंने लिया है 1.5 किलो चिकन, 1 पाव हमें इसके लिए चाहिए दही, 1 किलो मेरे पास सुपर कर्नल बासमती राइस हैं, आप इसकी जगह सेला चावल या कोई भी चावल यूज़ कर सकते हैं, 5 से 6 अदद मेरे पास हैं प्याज जिनको इस तरीके से मैंने फाइनली चॉप कर लिया है, 6 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर हैं उनको भी हमने फाइनली चॉप कर लिया है, 2 टेबलस्पून मेरे पास है लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून हमें चाहिए आमचूर पाउडर, 2 टीस्पून हमें चाहिए लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हमें चाहिए सौंफ। सौंफ को मैंने 1 टीस्पून सौंफ लेके उसको अच्छे से मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है, 1 टीस्पून हमें चाहिए साबुत कुटी हुई लाल मिर्च, 1.5 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी, 2 टेबलस्पून भर के हमने नमक के लिए हैं जो कि हम चावलों के पानी में भी और मसाले में भी यूज़ करेंगे, 1 टीस्पून हमें चाहिए मेथी दाना, 1.5 टीस्पून हमें चाहिए ज़ीरा, 2 टीस्पून भर के हमें चाहिए सूखा धनिया पाउडर और 1.5 टीस्पून हमें चाहिए ज़रदा रंग इसके लिए। और खड़े मसालों में हमें चाहिए, मैंने 7 से 8 अदद लौंग लिए हैं, 7 से 8 अदद हमें चाहिए साबुत काली गोल मिर्च, 7 से 8 मैंने लिए हैं कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता मेरा होम ग्रोन है, घर में लगा हुआ है, फ्रेश है, तो मैंने इसलिए इस तरह का, अगर आपके पास ड्राई हुआ हुआ पड़ा है तो आप वो 2 कड़ी पत्ते यूज़ कर लें, वो इनाफ है। 2 अदद मैंने बादियान के फूल लिए हैं इसके लिए, 1 इंच के 2 आप ले लें दारचीनी के टुकड़ा, 1 अदद हमें चाहिए जायफल का टुकड़ा, 2 से 3 अदद मैंने जवत्री के टुकड़े ले लिए हैं और 2 हमें चाहिए काली इलायची और 4 अदद चाहिए सब्ज़ इलायची। और ये मैंने इसके लिए लिया है अचार का मसाला जो कि मैंने घर में, हमारा घर में बना हुआ अचार का मसाला है। अगर आप बाज़ार का यूज़ करते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। और ये अब चलते हैं हम रेसिपी की तरफ। हम अपने पहले स्टेप में ऐसा करेंगे, ये जो हमने सुपर कर्नल बासमती राइस लिए हैं, आप इसकी जगह सेला चावल भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, आपकी चॉइस है। इसको आधे घंटे के लिए जो मैं पानी में सोख करके रख दूँगी, आधे घंटे से ज़्यादा हमने इसको नहीं रखना, अदरवाइज़ जब चावल आप बॉईल करेंगे तो वो टूट सकते हैं। अपने सेकंड स्टेप की तरफ हमने ले लिया है ये चिकन। चिकन में हम शामिल करेंगे जितने भी ड्राई मसाले हमारे पास हैं, जिसमें लाल मिर्च पाउडर सबसे पहले मैंने डाल दिया, आमचूर पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च पाउडर, अब मैं इसमें शामिल करूँगी सौंफ का पाउडर, सूखा धनिया पाउडर, नमक, नमक हम आधा इसमें डालेंगे, सारा नहीं डालेंगे, आधा नमक डाल के बाकी का मैं साइड कर दूँगी, हल्दी पाउडर। ये सब मसाला जात डालने के बाद एंड पे मैं इसमें शामिल कर दूँगी दही। 1 पाव दही लिया है मैंने और वो सारा मैं इसमें डाल दूँगी, और डालने के बाद हम अच्छे से जो चिकन है उसको हम मिक्स कर लेंगे। चिकन को हमने मैरिनेट कर दिया है, अब इसको मैं आधे घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख दूंगी। चावलों को हमने भिगो के रख दिया है, चिकन को हमने मैरिनेट कर दिया है, अब हम चलेंगे अपने थर्ड स्टेप की तरफ, यानी हम बनाएंगे इसका मसाला। सबसे पहले मैंने 130 ml जो है ऑयल ले लिया है और मीडियम फ्लेम पे उसको मैंने गरम कर लिया। ऑयल हमारा गरम हो चुका है, अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी प्याज। प्याज शामिल करने के बाद इसको तकरीबन हमने 6 से 7 मिनट के लिए जस्ट जो है ऑयल में हल्का सा फ्राई करना, इतना कि ये बस हल्के से पिंक हो जाए, हमने इसका कलर चेंज नहीं करना। प्याज हमारे फ्राई हो चुके हैं, अब मैं इसमें शामिल करूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको अच्छे से हम मिक्स करके जस्ट 7 से 8 सेकेंड्स इसको इसके साथ फ्राई कर लेंगे। इसको हमने मिक्स कर लिया, अब मैं इसमें डालूंगी ज़ीरा, जवत्री, दारचीनी और ये जितने भी हमारे खड़े मसाला जाते हैं वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। और सिर्फ अभी हम ये कड़ी पत्ता जो है ये नहीं डालेंगे, और मेथी दाना ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे। हम इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट जो है वो फ्राई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट हमने इसको भून लिया है, अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी टमाटर,
टमाटर डाल के अच्छे से मिक्स करने के बाद 7 मिनट हम इसको भूनने के लिए मीडियम फ्लेम पे हम इसको रख देंगे। फ्लेम हमने थ्रू आउट मीडियम रखना है। मसाले को अच्छे से हमने भून लिया है। आप देख सकते हैं कि जो टमाटर हैं वो हम नरम हो गए हैं और जो थोड़ी बहुत कसर है वो इस तरीके से आप हल्का सा इसको हाथ से दबाएंगे यूँ तो ये बिल्कुल ही पेस्ट में आ जाएंगे, पेस्ट बन जाएगी इनकी। और अगर आप नहीं भी बनाएंगे तो जब हम बाकी का मसाला तैयार करेंगे तो इसमें ये कम्प्लीटली डन हो जाएगा। सो अब हम क्या करेंगे कि हमने फ्लेम इसका मीडियम ही रखना है और अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखी हुई थी। अच्छा, चिकन शामिल करने के बाद हमने इसका फ्लेम कर देना है हाई और हाई फ्लेम पे हम इसको 5 मिनट के लिए जस्ट जो है ना हमने पकाना है। 5 मिनट हमने हाई फ्लेम पे अच्छे से जो चिकन डाल के मसाले को अच्छे से हमने इसकी भुनाई कर दी है। अब इस टाइम पे हम इसका फ्लेम कर देंगे मीडियम और मीडियम फ्लेम पे मैं इसको 5 मिनट के लिए ढक के रख दूंगी ताकि चिकन भी अच्छे से हमारा गल जाए। बिरयानी मसाले को रखे हुए हमें जो है टाइम पूरा हो गया। अभी मैं इसको खोल के देखती हूँ, पूरे 10 मिनट हो गए। अब आप देख सकते हैं कि ये जो है मसाला अच्छे से तैयार हो गया है, ऑयल भी इसने साइडों से छोड़ दिया है। हमने मीडियम फ्लेम पे इसको कुक किया था और चिकन भी हमारा जो है वो अच्छे से जो है गल चुका है। तो अब मसाला हमारा जो तैयार हो गया है बिल्कुल, अब एंड पे मैं इसमें जो हमने अचार का मसाला निकाला हुआ था वो मैं इसमें डाल दूंगी। बिल्कुल हमने एंड पे इसमें डालना है, पहले नहीं डालना, अदरवाइज़ ये जो मसाला है फिर ये कड़वाहट पैदा कर देता है। अच्छा, मसाला मैंने इसके अंदर डाल दिया है अचार का और अब हम इसका फ्लेम कर देंगे बंद क्योंकि मसाला डालने के बाद हमने इसको मज़ीद कुक नहीं करना है इसको। और मसाला अब हमारा बिरयानी का बिल्कुल तैयार है। अब हम चलेंगे चावलों की तरफ, चावलों को हम बॉईल करेंगे और किस तरीके से उसको तैयार करना है तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। चावल उबालने के लिए हमने चावलों पानी में डाले हैं 4 टीस्पून भर के नमक के, 1 टीस्पून मैंने डाला है ज़ीरा, 6 से 8 मैंने लिए हैं कड़ी पत्ते और इन सब चीज़ों को मैंने पानी में डाल के हाई फ्लेम पे हम इसको बॉईल करने के लिए रख देंगे। चावलों के पानी को हमने 10 से 15 मिनट जो है वो मीडियम फ्लेम पे रखा है। अब आप देख सकते हैं कि इसमें उबाल आने लग गया। अब इस टाइम पे मैं इसमें चावल जो है वो शामिल कर दूँगी। चावलों को हमने डाल दिया है। अब चावल डालने के बाद कोई 10 से 15 मिनट जो है हम इनको चावलों को पकने तक उबाल लेंगे। 10 मिनट तक मैंने चावलों को अच्छे से जो है उबाल लिया है। अब हम चेक करते हैं कि चावल हमारे गले हैं कि नहीं। चावल जो है हमारा गल चुका और इसमें एक कनी जो है वो है। अब इस टाइम पे मैं चावलों को निचोड़ लूँगी फ़ौरन ताकि ये मज़ीद ना पक जाएं। बिरयानी का मसाला जो है वो मैंने बेस में डाल दिया है, फ्लेम मैंने इसका फुल कर दिया है, नीचे मैंने तवा भी रख दिया दम के लिए। अब मैं 2 मिनट बस हाई फ्लेम पर रखने के बाद अब मैंने इसका फ्लेम मैं अब कर दूंगी मीडियम। मीडियम करने के बाद मैं अब इसमें हम फाइनल जो एक लेयर लगाएंगे वो है चावलों की और चावलों की लेयर मैं इस तरीके से इसके ऊपर सारे चावल हम डाल के इसको अच्छे से हम कवर कर लेंगे। अच्छे से इस तरीके से मैं इवन कर दूंगी, इवन सी एक लेयर हम इसकी लगा देंगे। लेयर लगाने के बाद 5 से 6 अदद हरी मिर्चें जो हैं वो मैं इसमें डाल दूंगी दम के टाइम पे, इससे बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त सी खुशबू आती है। एंड पे मैं इसमें शामिल कर दूंगी ज़रदा रंग। ज़रदा रंग थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं हम जो है वो डाल देंगे। आप चाहें तो पानी में भी इसको मिक्स करके डाल सकते हैं और इस तरह पाउडर भी डायरेक्ट डाल सकते हैं। ऐसा ज़रदा रंग मैं इस तरह से डाल दूंगी और थोड़ा सा मैं इस तरह पानी में डिज़ोल्व करके कुछ कुछ जगहों पर इस तरीके से वो भी डाल दूँगी। 6 से 7 मिनट के लिए हम इनको दम पे रख देंगे ताकि चावलों को अच्छे से बिरयानी को हमारी दम लग जाए और ज़बरदस्त सी हमारी बिरयानी बन के तैयार हो जाए। चावलों को दम पे रखे हुए 7 मिनट हमें पूरे हो गए हैं। अब मैं जो है खोल के हम चेक करेंगे इसका दम। चावलों को दम हमारे लग चुका है। अब मैं जो है चावलों को हिलाऊंगी, इस तरीके से हम हिलाएंगे ताकि मसाला जो है वो अच्छे से जो है चावलों में मिक्स हो जाए। अब देख सकते हैं कितना खूबसूरत इस पर कलर आया और खुशबू, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है अचार अचार से की, क्योंकि ये अचारी बिरयानी है हमारी तो अचार की बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है इसमें से। तो अब मैं आधे चावलों को हम मिक्स करेंगे और आधों को हम डिश आउट करते हुए मिक्स करेंगे ताकि जो कलर 3 कलर के चावल हैं हमारे वो लहदा लहदा रहें। इससे बहुत ही खूबसूरत बिरयानी हमारी बन के तैयार है। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ।
हमारी चिकन अचारी बिरयानी बनके तैयार है, बहुत ही उम्दा बनके तैयार हुई है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। इसको ट्राई करिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एंजॉय करिएगा। हमारे चैनल ओनली फूडी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।